महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के आला चौक स्थित अलंकार ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में बीती 30 जनवरी को चोरों के द्वारा प्रतिष्ठान के अंदर लाखों रुपए की चोरी कर ली गई थी, जिसे करीब एक माह से अधिक का समय भी गुजर चुका है। इससे पहले चोरी का खुलासा होने के मामले में पुलिस और प्रशासन को नगर के सर्राफा कारोबारियों के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ अब तक खाली नजर आए, जिससे पुलिस प्रशासन की निष्क्रिय कार्यप्रणाली के चलते शहर के समस्त सर्राफा व्यवसायियों में खासा आक्रोश देखा गया। आज सर्राफा कारोबारियों के पदाधिकारियों के द्वारा मौके में जानकारी दी गई कि 3 और 4 मार्च को चोरी का खुलासा न होने के चलते अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करने का समस्त सर्राफा व्यवसायियों ने ऐलान किया है। उन लोगों का कहना है कि अगर अभी भी पुलिस की निष्क्रियता दिखी तो आगामी 5 मार्च के बाद हम लोग आगे की रणनीति पर विचार करने को विवश होंगे। आज संपूर्ण सर्राफा मार्केट में बंद होने के चलते सर्राफा कारोबारियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखी गई। महोबा से संवाददाता सैयद हम्माद अहमद की रिपोर्ट। आज आप लोग सर्राफा व्यवसायी जो दुकानें बंद करें अपने अपने प्रतिष्ठान, किस उसमें करे हैं? हमारा सर्राफा व्यापार मंडल 30 तारीख को, जो पिछली 30 तारीख को अलंकार ज्वेलर्स में चोरी हुई थी, उसके विरोध में हम सभी लोग जो है 2 बार पुलिस को प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं। आज सारी फुटेज वगैरह हमने दी थी, वो मिल गई थी, कैमरे लगे थे, लेकिन आज तक प्रशासन पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। 2-3 बार अभी पिछली बार जब बात आई थी तो मतदान के लिए भी हमने कहा था मतदान भी बंद करने के, क्योंकि बहुत दिन से देखने को आ रहा है कि हमारे कोई भी चोरी होती है, कोई भी राजनी होती है, कोई भी टप्पेबाजी होती है, लेकिन प्रशासन उसकी लीपापोती कर देती है और पुलिस प्रशासन एकदम निष्क्रियता का काम करती है। इसलिए आज उनके विरोध में हम लोगों ने अभी पिछले 4-5 दिन पहले ज्ञापन दिया था, तो 3 और 4 तारीख सर्राफा पूर्णतया बंद रहेगा। इसके बाद 5 तारीख को समस्त गल्ला व्यापार, समस्त व्यापार, चाहे नगर के गल्ला के हों, कपड़े के हों, बर्तन के हों, सारे लोग इसमें सहयोग करके और बंद रखेंगे। अगर इसके बाद भी प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर हम अन्य कार्यों में फिर मीटिंग करके घोषित करेंगे और इसकी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आपका शुभ नाम क्या है, आप किस पद पे कर रहे थे मंडल में? मैं जिला व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ, महोबा जिला का अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मेरा नाम भागीरथ नगायच है और वर्तमान में जिला अध्यक्ष हूँ। व्यापारी आज सर्राफा दुकानें बंद करते, प्रतिष्ठान बंद करे, क्या किस मामले में है ये सब? हमारा मामला एक था कि अलंकार ज्वेलर्स में 30 जनवरी की रात को चोरी हुई थी। इस दौरान हमने कई बार पुलिस प्रशासन DM महोदय को ज्ञापन भी दिया कि हमारी चोरी का जल्द से जल्द खुलासा हो, वीडियो फुटेज है आपके पास, इसके बावजूद खुलासा नहीं हुआ। पिछली हमने कई बार 2-3 दिन सांकेतिक बंदी की, हड़ताल करी, काली पट्टी बांधी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसका कोई असर नहीं किया। इसलिए अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि 3-4 मार्च को पूरा सर्राफा व्यापार बंद रखेंगे, 5 मार्च को नगर व्यापार मंडल की सहमति लेते हुए पूरा बाजार बंद कराएंगे, इसके बाद जिला बंद कराएंगे।